राजरहाट में दिलीप घोष पर हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी मुखर हुए। उन्होंने कहा है कि भले ही भाजपा के साथ मेरे वैचारिक मतभेद है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बंगाल की छवि को धूमिल कर रहा है। आज की घटना इस बात का सबूत है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। दिलीप घोष के आक्रमण तो होलें सब चाके देखिए देखो पश्चिमबंगे जरा सरकारी दल तादेर क्षमता टीके थाकार मूल हथियार सन्त्रास पुलिस दुर्नीति आमार संगे कोनो राजनीतिक दलेर आदर्शगत फाराक थाकते पारे आदर्शगत विरोध थाकते पारे किन्तु जतक्षण पर्यन्त ভারতবর্ষে কোনো দল স্বীকৃত দল সেই স্বীকৃত দলের কোন নেতা কর্মী কারোর উপরে কোন হামলা চলতে পারে না। বিজেপি পার্টি ভারতবর্ষে আজ সরকার চালাচ্ছে, আমাকে এটা মানতে হবে, ভালো লাগুক আর না লাগুক আমাকে এটা মানতে হবে যে বিজেপি পার্টি আজ দেশ চালাচ্ছে, দেশের সরকার গড়েছে। একবার না দুবার আমার সঙ্গে বিজেপি পার্টির আদর্শগত বিরোধ আছে, রাজনৈতিক বিরোধ আছে, কিন্তু আমি তো এটা অস্বীকার করতে পারবো না যে তারা ভোটে জিতে ক্ষমতা এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পার্টির কোন নেতা নেত্রী আছে তার রাজনৈতিক মতবাদ আদর্শ মমতা ব্যানার্জির পছন্দ না হতে পারে, মমতা ব্যানার্জির অনেক কিছু আমাদের পছন্দ না, তার জন্যে একটা পার্টির একটা রাজ্য সভাপতিকে মারতে হবে এটা কখনোই বরদাস্ত করা যায় না। ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যে বানাতি হ্যায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে ওয়ার্ড কেয়ার সলিউশনস বেড সলিউশনস এক্সামিনেশন সলিউশনস ওটি টেবিল আইসিইউ সলিউশনস LED operation theater light, CSSD furniture, hydraulic surgical OT table और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं alcohol based sanitizers जो germs और virus से दे पूरा सफाया। आसनसोल शिल्पांचल में बुधवार को पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉक्टर बीसी रॉय उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आसनसोल नगर निगम की ओर से को कल्याण हाउसिंग डॉक्टर बीसी रॉय रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MIC अभिजीत घटक, मेयर परिषद के सदस्य लखन ठाकुर, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास आदि ने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বিধানচন্দ্র রায়কে পরিচয় করে দেওয়ার প্রয়াস হয় না, কারণ যেদিন পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল সেদিন থেকে বিধানচন্দ্র রায় নতুন করে পশ্চিমবঙ্গকে তৈরি করবার পরিকল্পনা দেখিয়েছিলেন, স্বাধীনতার প্রাককালেই হোক বা স্বাধীনতার পরবর্তীকালেই হোক। আমরা স্বাধীনতার প্রাককালে দেখেছিলাম ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উনি যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, আবার জাতীয় পরবর্তীকালে দেখেছিলাম যে নতুন পশ্চিমবঙ্গকে তৈরি করবার জন্য চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে হলদিয়া, হলদিয়া থেকে শুরু করে কল্যাণী পর্যন্ত নতুনভাবে বিভিন্ন রকম শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যেখান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তথা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা দিশা দেখাবার প্রয়াস করেছিলেন। ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যে বানাতি হ্যায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে ওয়ার্ড কেয়ার সলিউশনস বেড সলিউশনস এক্সামিনেশন সলিউশনস ওটি টেবিল আইসিইউ সলিউশনস LED operation theater light, CSSD furniture, hydraulic surgical OT table और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं alcohol based sanitizers जो germs और virus से दे पूरा सफाया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। चिकित्सा के पेशे में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और 1 जुलाई 1962 को उनका निधन हो गया था। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के जन्म दिन पर 1 जुलाई को प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष सौमेन मित्रा ने वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बासु और अन्य वामपंथी नेताओं को आमंत्रित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को मनाया गया। एक छोटी सी सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती, आरएसपी के मनोज भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक के नरेंद्र चटर्जी और सीपीआई के स्वप्न मुखर्जी जैसे कई दिग्गज शामिल हुए। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस, एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। बीती रात एक वृद्ध दंपति के घर में चोरी की घटना घटी। जी हां, ये घटना दी गंगा के कलसूल ग्राम पंचायत इलाके की है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात घर के सीढ़ी से उठते हुए दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर की पूरी तलाशी ली। चोरों की आहट की आवाज सुनकर वृद्ध दंपति उठे और धारदार हथियार से चोरों ने वृद्ध दंपति पर हमला कर दिया। हालांकि भागते समय कुछ पैसे तो नहीं चुरा पाए, लेकिन वृद्ध दंपति के 8,000 रुपए के मोबाइल ही लेकर भाग गए। वृद्ध दंपति का आरोप है कि पास के इलाके के युवक ने ही उनके घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की सूचना देगंगा थाने के पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस चोर की तफ्तीश में लगी हुई है। আসার পরে তখন ওই আমাকে তখন খোঁজ চলছে, আমি তো খুঁজছি না, ও তখন ছুরি মেরে মেরে আমাকে বেড়ে করছে। তখন আমি খুব অসহ্য শোনা হচ্ছে, ও যেচ্ছে, তখন আমি যখন খুঁজছি তখন ওকে ধরেছে গিয়ে, তুই তুমি খুলে দাও, তুমি খুলে দাও। তা ও তখন বলছে লাস্টের দিকে বলছে, দেখো উপায় আমার নেই, তখন তুমি খুলে দাও। আমি এই জন্য তখন দরজাটা খুলে আপনার প্রাণে মারার চেষ্টা হুমকি দিচ্ছে, হুমকি হয়ে যাবে। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस, एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। राज्य भाजपा के सभापति दिलीप घोष ने एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य के वित्त मंत्री गलत सूचना देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमित बाबू की बातें सुनकर ये लगता है कि वे पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं। भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है और स्थिर है, पर राज्य सरकार उसे गलत तरीके से पेश कर रही है। देश के माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी वर्चुअल रैली में बंगाल के बारे में जो तथ्य दिया है, उसका विपरीत बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री ने कुछ ऐसा गलत तथ्य सामने रखा है जिसका कोई सिर भी नहीं है, पैर भी नहीं है। उनको ये मालूम नहीं कि केंद्र राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कितना रुपया दिया है। लॉकडाउन को पहले से ही पैसा दिया जा रहा है,
और 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। यहां तक कि माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री के बारे में जिस शब्द पर उन्होंने प्रयोग किया कि उन्होंने निर्वाचित नहीं है, मुझे लगता है कि अमित बाबू को पता नहीं है कि हर विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं, और इसीलिए वो चुने हुए नहीं, ऐसा बोलना उनका मुझे लगता है सही धारणा नहीं है। उन्हें ये भी याद नहीं होगा कि एक समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी कोई चुने हुए नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, उनके नेतृत्व में 10 साल तक टीएमसी पार्टी ने उस सरकार में शामिल थी, उनको मदद भी किया। ओटेल डी एस आर बी मेडिकल सॉल्यूशंस एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSSD फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल, और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाखूनों के लायक भी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उनके बताए रास्ते पर चल सकता हूं जिनसे जीवन स्वार्थपूर्ण रहेगा। कुछ इस तरह की बातें कही नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने। केवड़ा तल्ला शमशान घाट में आज उनकी मृत्यु तथा जयंती के दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा की आयोजित की गई थी। इस मौके पर सांसद माला राय सहित कई लोग उपस्थित थे। श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा है कि मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली महसूस करता हूं कि वह कुर्सी पर बैठने में सक्षम हूं, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विधान चंद्र रॉय जैसे दिग्गज लोगों ने संजोया है। अभिनंदन जानिए एखाने उपस्थित हमारे सांसद एवं कोलकाता कॉर्पोरेशन सद्य समाप्त बोर्ड चेयरपर्सन माला राय, बोरो कोऑर्डिनेटर संदीप बक्सी, अन्य विशिष्ट जनेरा एवं आपनारा सकल। आमी विधान राय के बांगलार नवरूपकार एक कथा सबाई जान, एक कथा सबाई जानें जे विधान रायर परे ओई रकम एकजन बड़ मापेर डाक्तार पश्चिमबंगे खूब कम ही आछे, কিন্তু আমাদের কাছে বিধান রায়ের আরেকটা পরিচয় হচ্ছে বিধান রায় কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের চেয়ার অলঙ্কৃত করেছিল এবং সুভাষচন্দ্র বোসের পরে সেই চেয়ার অলঙ্কৃত করেছিলেন নেতাজির পরে বিধান রায়। তাই আজকের দিনে সেই মানুষটাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমি ओटेल डी एस आर बी मेडिकल सॉल्यूशंस एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSSD फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल, और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी माने जाते हैं। वैसे चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने रॉयल कॉलेजेस ऑफ सर्जन और मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेजेस फिजिशियन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की सदस्यता प्राप्त की थी। उनके जन्म दिवस और मृत्यु दिवस के उपलक्ष्य में महाजति सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में महाजति सदन के माननीय ट्रस्टी श्री संजय बक्सी, श्री पार्थो प्रतिम हजारी, श्रीमती नमिता रॉय मल्लिक, नूरुल हुदा सहित कई लोगों ने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
उन्होंने कोलकाता में आर्शिकर मेडिकल कॉलेज जादवपुर, टीबी अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन, चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल, चितरंजन सेवा सदन जैसे कुछ प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की। डॉक्टर रॉय ने कोलकाता में संक्रामक रोग अस्पताल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। रायगंज शहर से सटे अब्दुल घाट, मणिपारा, भट्टादीगी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुलिक नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ रह रहे लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नदी के पानी ने इन क्षेत्रों के निवासियों के घरों में घुस गए, जिससे यहाँ रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर अपने आश्रय की तलाश में लगे हुए हैं। इन्होंने स्थानीय पंचायत अधिकारियों पर इन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। এখন সমস্যা কি এটা তো মানে বন্যা হলেই সমস্যা হয়। এখানে কিছু বাড়ি আছে, 1,500 বাড়ি আছে, আপনার এই বন্যা হলেই জলে ডুবে যায়, কাঁচা বাড়ি, তাদেরকে এই বাঁধের উপরে উঠে থাকতে হয়, তাদেরকে পরিষেবা দিতে লাগে, তিরপাল থেকে তিরপাল, জল, পায়খানা, এগুলোর প্রবলেম হয়, এগুলো সব আমরা দেই আমাদের পঞ্চায়েত থেকে সব রকম, এবং বিডিও সাহায্য করে, বিডিও সহযোগিতা প্রচুর করে। তারপরে এবার আবার ওই বাঁধটা ভেঙে গেছে, বাঁধটা ভেঙে যাওয়াতে একটু বড় প্রবলেম। বিডিও সাহেবকে আমরা এনে আমাদের পঞ্চায়েতের মারফত দিয়ে জানানো হলো, বিডিও সাহেব এসে দেখলো, বিডিও সাহেব দেখে কালকে 3টার সময় এসে দেখে গেছে, দেখে যায় ইরিগেশনকে, বাঁধটা তো দেখভালের দায়িত্ব ইরিগেশন, আমাদের বিডিও, আমরা পঞ্চায়েত থেকে, আমরা বিডিও থেকে সেটা বিডিও সাহেব সব কিছু বললেন, বলার পরে আজকে বাটা মেরামতির কাজে আরম্ভ করেছে। বাটটা খুব এসেনশিয়াল, ওটা সবার আগে জরুরি করা দরকার। বাটটা যদি ভেঙে যায় তো কী সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয় আপনার? বাটটা যদি ভেঙে যায়, বাটটা ভেঙে গেলে তো আমাদের শহর রায়গঞ্জ টাউন যেটা, সেটাও ডুবে যাবে জল বিষয়ে। রায়গঞ্জ টাউনটাকে প্রোটেক্ট করতে গেলে এই বাটটার প্রয়োজন। তো কি মনে হয় যে আগে থেকে এই বাঁধটা তো একটা জীর্ণ অবস্থায় ছিল, তো সেটাকে আগে থেকে দেখভাল করলে? না, আগে থেকে দেখভাল করলে খুব ভালো হতো। আগে থেকে এরা খুব ঢিলে দামে কাজ হচ্ছে। এখানে বাঁধটা আমাদের এখানে একটা মেডিকেল হচ্ছে, মেডিকেলটা বাঁধটার উপর একটা রাস্তা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে, সেই রাস্তাটার জন্য রাস্তাটা খুব ঢিলে দামে হচ্ছে। আর এই বাঁধের পাশ দিয়ে একটা যদি রাস্তা হয়, যেরকম রেল লাইনের ধারে থাকে, এই বাড়িগুলো তো বাঁধ কেটে কেটে যদি রাস্তায় ওঠে তাহলে তো বাঁধটা নষ্ট হবে। আর বাঁধের নিচ দিয়ে একটা, বাঁধেরও প্রোটেকশন থাকবে, বাঁধের নিচ দিয়ে একটা রাস্তা থাকলে ওই আব্দুল ঘাটের রাস্তায় সেটা মিশে গেলে সেটা বেশি একটা দূরত্বও না, 75 মিটারের মতো দূরত্ব। এই 75 মিটার রাস্তাটা যদি নিচ দিয়ে করে দেওয়া যায় তাহলে বাঁধটা প্রোটেকশন থাকবে এবং গ্রামের লোকগুলো বর্ষা হলেও আসতে, জিনিসপত্র নিয়ে উঠতে সুবিধা হবে। তো এই জলটা এলো কোথা থেকে, কীভাবে? এই জলটা আমাদের এখানে বৃষ্টি হলে জলটা তো ভ্যাটির জায়গাতে আমাদের নাগর টাগর ওদিকে যদি ওভারফ্লো হয়ে যায় তখন এই জলটা তো মহানন্দা নাগরের নাগরী জয়েন্ট আছে বাড়ির জলের এখানে, তারপরে কুলিকের নদী, কুলিক নদীটা তো ওখানে জলটা ওখানে ফ্লো হয়ে গেলে এই জলটা পাস হতে পারে না, তখন ফুলতে আরম্ভ করে। আর জলটা তো এই নদীটা তো আপনার একেবারে বাংলাদেশ থেকে, তো বাংলাদেশের জল হলে এই নদীতে জল যায়। শরণার্থীরা কি এখন কোথায় আছে? আপকো বতা দে, কুলিক নদী কা তটবন্ধ রায়গঞ্জ শহর আর শহর সে সটে গাঁওয়ো কো বাঢ় জেসি স্থিতি সে বচানে কে লিয়ে হ্যায়, লেকিন নদী কা জল স্তর বড় জানে কি ওজা সে বাঢ় জেসি স্থিতি উৎপন্ন হো চুকি হ্যায়। কই লোগো নে তো নদী কে তটবন্ধ পর পলিথিন লাগা কর অস্থায়ী টেন্ট বানা কর আপনে পশুও আর পরিবারো কে সাথ শরণ লে রাখি হ্যায়। আদার ব্রাজে কুলিকের জল বাড়ছে, এখন আমাদের দিকে বন্যা হচ্ছে, এ কারণে আমাদেরকে বাঁধের উপরে এখন আশ্রয় নিতে হচ্ছে। পরিবার নিয়ে আছেন? পরিবার, এখানে সবাই পরিবারই আছি। তো বাঁধটা তো ভাঙা শুরু হয়েছে, বাঁধ ভাঙলে তো আমাদের একটু সমস্যা তো হবেই, কারণ আমরা এখন বাঁধ যদি ভেঙে যায় তাহলে আমাদের থাকার মতো জায়গা হবে না। এবার সরকার যদি আমাদের কোনো হেল্প করে তাহলে আমাদের একটু উপকারই হয় আর কি,
এখন সরকারের উপরে আমরা যদি ধরে রাখছি যে না একটু সরকার উপকার করুক, তাহলে আমাদের মোটামুটি ধরেন যে 20-25টা পরিবার এখানে আছে একটু বাঁচতে পারবে। নদী থেকে জল উঠতেছে, কি করব, জল বাড়িঘর ডুবে আছে, তাই বাঁধের মধ্যে উঠছি। কি সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা তো অনেক রকমের, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা, জল পানির সমস্যা, এদিকে ওষুধ পাতির সমস্যা, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাঁধে কম সমস্যার মধ্যে আছি, আবার বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে এদিকে, তাই বাঁধ যদি ভেঙে যায় আমাদের কোথায় যায় দাঁড়াবো? তো এখানকার মেম্বারকে বলেছে? হ্যাঁ বলছি, মেম্বার আসে দেখে যায়, এখন মেম্বার করবে যেটুক করতে পারে আমাদের জন্য। এই জল কি বাড়ছে এখনো? হ্যাঁ বাড়তেই তো আছে জল। তাতে কি আতঙ্কিত আছেন? আতঙ্কি থাকবো না। ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যে বানাতি হে ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে ওয়ার্ড কেয়ার সলিউশনস, বেড সলিউশনস, এক্সামিনেশন সলিউশনস, ওটি টেবিল, আইসিইউ সলিউশনস, এলইডি অপারেশন থিয়েটার লাইট, সিএসএসটি ফার্নিচার, হাইড্রোলিক সার্জিক্যাল ওটি টেবিল और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। बुधवार को राजारहाट में भाजपा सभापति दिलीप घोष पर हमले का आरोप लगाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुबह चाय पर चर्चा के लिए भांगर विधानसभा के तहत भीम इलाके में गए थे, जहां चाय पर चर्चा चल रही थी। कथित तौर पर उस समय कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया, दिलीप घोष के आसपास प्रदर्शन करते दिखाई दिए। आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दिलीप घोष के सुरक्षा गार्ड के साथ उनकी हाथापाई भी हुई, बाद में सुरक्षा गार्डों द्वारा भाजपा नेता को वहाँ से हटाया गया। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। बुधवार के दिन आसनसोल नॉर्थ थाना ट्रैफिक कार्यालय में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल की तरफ से 11 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट और फूलों के गुलदस्ते के साथ सम्मानित लोगों को कोविड-19 में पुलिस और पत्रकारों की जो भूमिका रही है उसी को देखते हुए पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब की ओर से मनदीप सिंह लाली असिस्टेंट गवर्नर जोन एक रोटरी क्लब ने कहा है कि रोटरी 32470 नॉर्थ स्टेट के 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। आज हमारा पहला रोटरी डे है, इसीलिए इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। डे है ये 1 जुलाई को जो रोटरी डे होता है, इसमें नया प्रेसिडेंट अपने टीम के साथ हर एक क्लब में काम में लग जाते हैं और फर्स्ट जो डे होता है इनॉग्रल डे, उस दिन एक डिस्ट्रिक्ट से प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि सब क्लब 92 क्लब्स को डिस्ट्रिक्ट में करना है। सो आज ये प्रोग्राम था हम लोग का जो कोविड वॉरियर है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, मीडिया पर्सनल्स हैं, पुलिस मैन हैं, जिन्होंने 3-4 महीने से लगातार फील्ड में बिना परवाह किए बिना। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच
हमारी ताकत। बुधवार को एमसी केजरीवाल विद्यापीठ लिलुआ स्कूल के सामने अभिभावकों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें अभिभावकों की मांग थी कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक स्कूल फीस पूरी तरह से माफ की जाए। अभिभावकों का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर स्कूल फीस लेने का आडंबर किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व पेरेंट्स प्रोटेक्शन फोरम के मेंबर्स कर रहे थे, जिसमें पदाधिकारी विजय शर्मा, बरसानिया एवं अन्य सदस्य भी शामिल थे। यह फोरम पिछले कई महीनों से अभिभावकों की मांग को पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में सामने रखती आई है। पेरेंट्स प्रोटेक्शन फोरम ने पिछले एक महीने में स्कूल प्रबंधन को इस विषय पर कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक कोई भी जवाब नहीं आया। फोरम का कहना है कि इनकी मांगों को अगर अनदेखा किया जाता है तो मामला अदालत तक जाएगी। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस, एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। जगत बल्लभपुर विधानसभा में पतिहाल ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान कल्याण रॉय चक्रवर्ती और पंचायत सदस्य शेख मोइनुद्दीन के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास करते हुए भाजपा का झंडा प्रदेश सचिव विवेक सोनकर के हाथों से थाम कर भाजपा में शामिल हुए। सब लोगों ने जोर शोर से नारे लगाए। 2021 में दिलीप घोष जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाएंगे, पूरा सभा स्थल भाजपा में हो गया। देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष के नेतृत्व में एक जंजवार आ गया है जनताओं के बीच में। जिस ढंग से असफल मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से असफलता का अपना परिचय दिया है अम्फान में और कोरोना महामारी में, सिर्फ दलोदास लोगों को ही सेवा कर रही है। इसके प्रतिवाद में आपने देखा प्रधान जी ने कहा कि कट मनी को लेकर के, ये भारतीय जनता पार्टी दिलीप दा ने बहुत पहले ही इस बात को उठाया है और अब पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार की दुर्नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दिलीप घोष के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 2021 में सरकार बनेगी और एक परिवर्तन का लहर चल पड़ा है। गांव गांव, ग्राम ग्राम, ये पतियाला क्षेत्र में आपने देखा कि एक प्रधान और उनके साथ बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने योगदान दिया। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस, एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। राजरहाट में दिलीप घोष पर हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी मुखर हुए। उन्होंने कहा है कि भले ही भाजपा के साथ मेरे वैचारिक मतभेद है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बंगाल की छवि को धूमिल कर रहा है। आज की घटना इस बात का सबूत है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। दिलीप घोष के आक्रमण तो होलें सगवा चाके देखिए। देखुन, पश्चिमबंगे जरा सरकारी दल तादेर ক্ষমতায় টিকে থাকার মূল হাতিয়ার সন্ত্রাস, পুলিশ, দুর্নীতি।
আমার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের আদর্শগত ফারাক থাকতে পারে, আদর্শগত বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো দল স্বীকৃত দল, সেই স্বীকৃত দলের কোন নেতা কর্মী কারোর উপরে কোন হামলা চলতে পারে না। বিজেপি পার্টি ভারতবর্ষের আর সরকার চালাচ্ছে, আমাকে এটা মানতে হবে, ভালো লাগুক আর না লাগুক আমাকে এটা মানতে হবে যে বিজেপি পার্টি আজ দেশ চালাচ্ছে, দেশের সরকার গড়েছে, একবার না দুবার। আমার সঙ্গে বিজেপি পার্টির আদর্শগত বিরোধ আছে, রাজনৈতিক বিরোধ আছে, কিন্তু আমি তো এটা অস্বীকার করতে পারবো না যে তারা ভোটে জিতে ক্ষমতা এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পার্টির কোন নেতা নেত্রী আছে, তার রাজনৈতিক মতবাদ আদর্শ মমতা ব্যানার্জির পছন্দ না হতে পারে, মমতা ব্যানার্জির অনেক কিছু আমাদের পছন্দ না, তার জন্যে একটা পার্টির একটা রাজ্যের সভাপতিকে মারতে হবে এটা কখনোই বরদাস্ত করা যায় না। ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যে বানাতি হ্যায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে ওয়ার্ড কেয়ার সলিউশনস, বেড সলিউশনস, এক্সামিনেশন সলিউশনস, ওটি টেবিল, আইসিইউ সলিউশনস, এলইডি অপারেশন থিয়েটার লাইট, সিএসএসটি ফার্নিচার, হাইড্রোলিক সার্জিক্যাল ওটি টেবিল অর এসকে সাথ হি ওটেল अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। आसनसोल शिल्पांचल में बुधवार को पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉक्टर बीसी रॉय उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आसनसोल नगर निगम की ओर से को कल्याण हाउसिंग डॉक्टर बीसी रॉय रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमआईसी अभिजीत घटक, मेयर परिषद के सदस्य लखन ठाकुर, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास आदि ने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বিধানচন্দ্র রায়কে পরিচয় করে দেওয়ার প্রয়াস হয় না, কারণ যেদিন পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল সেদিন থেকে বিধানচন্দ্র রায় নতুন করে পশ্চিমবঙ্গকে তৈরি করবার পরিকল্পনা দেখেছিলেন, স্বাধীনতার প্রাককালেই হোক বা স্বাধীনতার পরবর্তীকালেই হোক। আমরা স্বাধীনতার প্রাককালে দেখেছিলাম ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উনি যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, আবার জাতীয় পরবর্তীকালে দেখেছিলাম যে নতুন পশ্চিমবঙ্গকে তৈরি করবার জন্য চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে হলদিয়া, হলদিয়া থেকে শুরু করে কল্যাণী পর্যন্ত নতুনভাবে বিভিন্ন রকম শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যেখান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তথা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা দিশা দেখাবার প্রয়াস করেছিলেন। ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যে বানাতি হ্যায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে ওয়ার্ড কেয়ার সলিউশনস, বেড সলিউশনস, এক্সামিনেশন সলিউশনস, ওটি টেবিল, আইসিইউ সলিউশনস, LED operation theater light, CSST furniture, hydraulic surgical OT table और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं alcohol based sanitizers जो germs और virus से भी पूरा सफाया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। चिकित्सा के पेशे में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और 1 जुलाई 1962 को उनका निधन हो गया था। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर 1 जुलाई को प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष सौमेन मित्रा ने वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बासु और अन्य वामपंथी नेताओं को आमंत्रित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को मनाया गया। एक छोटी सी सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर CPM नेता सुजन चक्रवर्ती,
आरएसपी के मनोज भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक के नरेंद्र चटर्जी और सीपीआई के स्वप्न मुखर्जी जैसे कई दिग्गज शामिल हुए। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। बीती रात एक वृद्ध दंपति के घर में चोरी की घटना घटी। जी हां, ये घटना दी गंगा के कलसूल ग्राम पंचायत इलाके की है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात घर के सीढ़ी से उठते हुए दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर की पूरी तलाशी ली। चोरों की आहट की आवाज सुनकर वृद्ध दंपति उठे और धारदार हथियार से चोरों ने वृद्ध दंपति पर हमला कर दिया। हालांकि भागते समय कुछ पैसे तो नहीं चुरा पाए, लेकिन वृद्ध दंपति के 8,000 रुपए के मोबाइल ही लेकर भाग गए। वृद्ध दंपति का आरोप है कि पास के इलाके के युवक ने ही उनके घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की सूचना देगंगा थाने के पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस चोर की तफ्तीश में लगी हुई है। আসার পরে তখন ওই আমাকে তখন খুঁজতে হচ্ছে, আমি তো খুঁজছি না, ও তখন ছুরি মেরে মেরে আমাকে বেড়ে করছে। তখন আমি খুব অসহ্য শোনা হচ্ছে, ও দেখছে, তখন আমি যখন খুঁজছি তখন ওকে ধরেছে গিয়ে, তুই তুমি খুলে দাও, তুমি খুলে দাও। ও তখন বলছে লাস্টের দিকে বলছে যে গেলো উপায় আমার নেই, তখন তুমি খুলে দাও। তখন এই জন্য তখন দরজাটা খুলে প্রাণে মারার চেষ্টা হুমকি দিচ্ছে, হুমকি হয়ে যাবে। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। राज्य भाजपा के सभापति दिलीप घोष ने एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य के वित्त मंत्री गलत सूचना देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमित बाबू की बातें सुनकर ये लगता है कि वे पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं। भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है और स्थिर है, पर राज्य सरकार उसे गलत तरीके से पेश कर रही है। देश के माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी वर्चुअल रैली में बंगाल के बारे में जो तथ्य दिया है उसका विपरीत बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री ने कुछ ऐसा गलत तथ्य सामने रखा है जिसका कोई सिर भी नहीं है, पैर भी नहीं है। उनको ये मालूम नहीं कि केंद्र राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कितना रुपया दिया है। लॉकडाउन को पहले से ही पैसा दिया जा रहा है और 1,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। यहां तक कि माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री के बारे में जिस शब्द को उन्होंने प्रयोग किया कि उन्होंने निर्वाचित नहीं है, मुझे लगता है कि अमित बाबू को पता नहीं है कि हर विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं और इसीलिए वो चुने हुए नहीं, ऐसा बोलना उनका मुझे लगता है सही धारणा नहीं है। उन्हें ये भी याद नहीं होगा कि एक समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी कोई चुने हुए नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। उनके नेतृत्व में 10 साल तक टीएमसी पार्टी ने उस सरकार में शामिल थी, उनको मदद भी किया। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी
जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाखूनों के लायक भी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उनके बताए रास्ते पर चल सकता हूं, जिनसे जीवन स्वार्थपूर्ण रहेगा। कुछ इस तरह की बातें कही नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने। केवड़ा तल्ला शमशान घाट में आज उनकी मृत्यु तथा जयंती के दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा की आयोजित की गई थी। इस मौके पर सांसद माला राय सहित कई लोग उपस्थित थे। श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा है कि मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली महसूस करता हूं कि वह कुर्सी पर बैठने में सक्षम हूं, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विधान चंद्र रॉय जैसे दिग्गज लोगों ने संजोया है। अभिनंदन जानिए এখানে উপস্থিত আমাদের সাংসদ এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সদ্য সমাপ্ত বোর্ডের চেয়ারপারসন মালা রায়, বোরো কোঅর্ডিনেটর সন্দীপ বক্সি, অন্য অন্য বিশিষ্ট জনেরা এবং আপনারা সকল, আমি বিধান রায়কে বাংলার নবর উপকার এ কথা সবাই জানেন। এ কথা সবাই জানেন যে বিধান রায়ের পরে ওই রকম একজন বড় মাপের ডাক্তার পশ্চিমবঙ্গে খুব কমই এসেছে। কিন্তু আমাদের কাছে বিধান রায়ের আরেকটা পরিচয় হচ্ছে বিধান রায় কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের চেয়ার অলঙ্কৃত করেছিল এবং সুভাষচন্দ্র বোসের পরে সেই চেয়ার অলঙ্কৃত করেছিলেন নেতাজির পরে বিধান রায়। তাই আজকের দিনে সেই মানুষটাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমি ओटेल डी एस आर बी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी माने जाते हैं। वैसे चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने रॉयल कॉलेजेस ऑफ सर्जन और मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की सदस्यता प्राप्त की थी। उनके जन्म दिवस और मृत्यु दिवस के उपलक्ष्य में महाजति सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में महाजति सदन के माननीय ट्रस्टी श्री संजय बक्सी, श्री पार्थो प्रतिम हजारी, श्रीमती नमिता रॉय मल्लिक, नूरुल हुदा सहित कई लोगों ने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कोलकाता में आरशिकर मेडिकल कॉलेज, जादवपुर टीबी अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन, चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल, चितरंजन सेवा सदन जैसे कुछ प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की। डॉक्टर रॉय ने कोलकाता में संक्रामक रोग अस्पताल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। होटल डी एस आर बी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल
और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। रायगंज शहर से सटे अब्दुल घाट, मणिपारा, भट्टादीगी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुलिक नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। यहां रह रहे लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नदी के पानी ने इन क्षेत्रों के निवासियों के घरों में घुस गए, जिससे यहां रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर अपने आश्रय की तलाश में लगे हुए हैं। इन्होंने स्थानीय पंचायत अधिकारियों पर इन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। এখন সমস্যা কি এটা তো মানে বন্যা হলেই সমস্যা হয়। এখানে কিছু বাড়ি আছে, 1,500 বাড়ি আছে, আপনার এই বন্যা হলেই জলে ডুবে যায়, কাঁচা বাড়ি। তাদেরকে এই বাঁধের উপরে উঠে থাকতে হয়, তাদেরকে পরিষেবা দিতে লাগে, তিরপাল থেকে তিরপাল, জল, পায়খানা, এগুলোর প্রবলেম হয়। এগুলো সব আমরা দেই আমাদের পঞ্চায়েত থেকে সব রকম, এবং বিডিও সাহায্য করে, বিডিও সহযোগিতা প্রচুর করে। তারপরে এবার আবার ওই বাঁধটা ভেঙে গেছে, বাঁধটা ভেঙে যাওয়াতে একটু বড় প্রবলেম। বিডিও সাহেবকে আমরা এনে আমাদের পঞ্চায়েতের মারফত দিয়ে জানানো হলো, বিডিও সাহেব এসে দেখলো। বিডিও সাহেব দেখে কালকে 3টার সময় এসে দেখে গেছে, দেখে যায় ইরিগেশনকে, বাঁধটা তো দেখভালের দায়িত্ব ইরিগেশন, আমাদের বিডিও, আমরা পঞ্চায়েত থেকে, আমরা বিডিও থেকে, সেটা বিডিও সাহেব সব কিছু বললেন। বলার পরে আজকে বাঁধটা মেরামতির কাজে আরম্ভ করেছে। বাঁধটা খুব এসেনশিয়াল, ওটা সবার আগে জরুরি করা দরকার। বাঁধটা যদি ভেঙে যায় তাহলে কী সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয় আপনার? বাঁধটা যদি ভেঙে যায়, বাঁধটা ভেঙে গেলে তো আমাদের শহর, শহর রায়গঞ্জ টাউন যেটা, সেটাও ডুবে যাবে জল বিষয়ে। রায়গঞ্জ টাউনটাকে প্রোটেক্ট করতে গেলে এই বাঁধটার প্রয়োজন। তো কী মনে হয় যে আগের থেকে এই বাঁধটা তো একটা জীর্ণ অবস্থায় ছিল, তো সেটাকে আগের থেকে দেখভাল করলে? না, আগের থেকে দেখভাল করলে খুব ভালো হতো। আগের থেকে এরা খুব ঢিলে দামে কাজ হচ্ছে। এখানে বাঁধটা, আমাদের এখানে একটা মেডিকেল হচ্ছে, মেডিকেলটা বাঁধটার উপর একটা রাস্তা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে, সেই রাস্তাটার জন্য রাস্তাটা খুব ঢিলে দামে হচ্ছে। আর এই বাঁধের পাশ দিয়ে একটা যদি রাস্তা হয়, যেরকম রেল লাইনের ধারে থাকে, এই বাড়িগুলো তো বাঁধ কেটে কেটে যদি রাস্তায় ওঠে তাহলে তো বাঁধটা নষ্ট হবে। আর বাঁধের নিচ দিয়ে একটা, বাঁধেরও প্রোটেকশন থাকবে, বাঁধের নিচ দিয়ে একটা রাস্তা থাকলে ওই আব্দুল ঘাটের রাস্তায় সেটা মিশে গেলে সেটা বেশি একটা দূরত্বও না, 75 মিটারের মতো দূরত্ব। এই 75 মিটার রাস্তাটা যদি নিচ দিয়ে করে দেওয়া যায় তাহলে বাঁধটা প্রোটেকশন থাকবে, এবং গ্রামের লোকগুলো বর্ষা হলেও আসতে, জিনিসপত্র নিয়ে উঠতে সুবিধা হবে। তো এই জলটা এলো কোথা থেকে, কীভাবে এই জলটা? আমাদের এখানে বৃষ্টি হলে জলটা তো ভ্যাটির জায়গাতে আমাদের নাগর টাগর ওদিকে যদি ওভারফ্লো হয়ে যায় তখন এই জলটা তো মহানন্দা নাগরের, নাগরী জয়েন্ট আছে বাড়ির জলের এখানে, তারপরে কুলিকের নদী, কুলিক নদীটা তো ওখানে জলটা, ওখানে ফ্লো হয়ে গেলে এই জলটা পাস হতে পারে না, তখন ফুলতে আরম্ভ করে। আর জলটা তো, এই নদীটা তো আপনার একেবারে বাংলাদেশ থেকে, তো বাংলাদেশের জল হলে এই নদীতে জল যায়। শরণার্থীরা কি এখন কোথায় আছে? আপকো বতা দে, কুলিক নদী কা তটবন্ধ রায়গঞ্জ শহর আর শহর সে সটে গাঁওয়ো কো বাড় জেসি স্থিতি সে বাচানে কে লিয়ে হ্যায়, লেকিন নদী কা জল স্তর বড় জানে কি ওয়াজা সে বাড় জেসি স্থিতি উৎপন্ন হো চুকি হ্যায়। कई लोगों ने तो नदी के तटबंध पर पॉलीथीन लगाकर, अस्थाई टेंट बनाकर अपने पशुओं और परिवारों के साथ शरण ले रखी है। जल बाढ़ बना हमारे बदल आश्रय सबाई ही तो बाधा तो भांगा शुरू होंगले तो समस्या तो हम ही कारण बाध जो भेगे जाए थार मत जगह होना ए सरकार जो को हेल्प करे एक उपकार ही है और कि এখন সরকারের উপরে আমরা তো এটা ধরে রাখছি যে না একটু সরকার উপকারটা করুক, তাহলে আমাদের মোটামুটি ধরেন যে 20-25টা পরিবার এখানে আছে একটু বাঁচতে পারবে। নদী থেকে জল উঠতেছে, কি করব, জল বাড়িঘর ডুবে আছে, তাই বাঁধের মধ্যে উঠছি। কি সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা তো অনেক রকমের, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা, জল পানির সমস্যা, এদিকে ওষুধ পাতির সমস্যা, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাঁধে কম সমস্যার মধ্যে আছি, আবার বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে এদিকে, তাই বাদ যদি ভেঙে যায় আমাদের কোথায় যায় দাঁড়াবো? তো এখানকার মেম্বারকে বলিস? হ্যাঁ বলছি, মেম্বার শুধু কিছু মেম্বার আসে দেখে যায়, এখন মেম্বার করবে যেটুকু করতে পারে আমাদের জন্য। এই জল কি বাড়ছে এখনো? হ্যাঁ বাড়তেই তো আছে জল, তাতে কি আতঙ্কিত আছেন? আতঙ্কি থাকবো না। ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যা বানাতি হ্যায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে
ward care solutions, bed solutions, examination solutions, OT table, ICU solutions, LED operation theater light, CSSD furniture, hydraulic surgical OT table, और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। बुधवार को राजारहाट में भाजपा सभापति दिलीप घोष पर हमले का आरोप लगाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुबह चाय पर चर्चा के लिए भांगर विधानसभा के तहत भीम इलाके में गए थे, जहां चाय पर चर्चा चल रही थी। कथित तौर पर उस समय कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। दिलीप घोष के आसपास प्रदर्शन करते दिखाई दिए। आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दिलीप घोष के सुरक्षा गार्ड के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। बाद में सुरक्षा गार्डों द्वारा भाजपा नेता को वहां से हटाया गया। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसडी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। बुधवार के दिन आसनसोल नॉर्थ थाना ट्रैफिक कार्यालय में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल की तरफ से 11 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट और फूलों के गुलदस्ते के साथ सम्मानित लोगों को कोविड-19 में पुलिस और पत्रकारों की जो भूमिका रही है उसी को देखते हुए पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब की ओर से मनदीप सिंह लाली असिस्टेंट गवर्नर जोन एक रोटरी क्लब ने कहा है कि रोटरी 3247077 नॉर्थ स्टेट के 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। आज हमारा पहला रोटरी डे है, इसीलिए इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। डे है ये 1 जुलाई को जो रोटरी डे होता है, इसमें नया प्रेसिडेंट अपने टीम के साथ हर एक क्लब में काम में लग जाते हैं और फर्स्ट जो डे होता है इनॉग्रल डे, उस दिन एक डिस्ट्रिक्ट से प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि सब क्लब 92 क्लब्स को डिस्ट्रिक्ट में करना है। सो आज ये प्रोग्राम था हम लोग का जो कोविड वॉरियर है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, मीडिया पर्सनल्स हैं, पुलिस मैन हैं, जिन्होंने 3-4 महीने से लगातार फील्ड में बिना परवाह किए बिना। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसडी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। बुधवार को एमसी केजरीवाल विद्यापीठ लिलुआ स्कूल के सामने अभिभावकों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें अभिभावकों की मांग थी कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक स्कूल फीस पूरी तरह से माफ की जाए। अभिभावकों का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर स्कूल फीस लेने का आडंबर किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व पेरेंट्स प्रोटेक्शन फोरम के मेंबर्स कर रहे थे, जिसमें पदाधिकारी विजय शर्मा, बरसानिया एवं अन्य सदस्य भी शामिल थे। यह फोरम पिछले कई महीनों से अभिभावकों की मांग को पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में सामने रखती आई है। पेरेंट्स प्रोटेक्शन फोरम ने पिछले एक महीने में स्कूल प्रबंधन को इस विषय पर कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक कोई भी जवाब नहीं आया। फोरम का कहना है कि इनकी मांगों को अगर अनदेखा किया जाता है तो मामला अदालत तक जाएगी। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे
ward care solutions, bed solutions, examination solutions, OT table, ICU solutions, LED operation theater light, CSSD furniture, hydraulic surgical OT table, और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। भारतीय जनता पार्टी जगत बल्लभपुर विधानसभा में पतिहाल ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान कल्याण रॉय चक्रवर्ती और पंचायत सदस्य शेख मोइनुद्दीन के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास करते हुए भाजपा का झंडा प्रदेश सचिव विवेक सोनकर के हाथों से थाम कर भाजपा में शामिल हुए। सब लोगों ने जोर शोर से नारे लगाए। 2021 में दिलीप घोष जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाएंगे, पूरा सभा स्थल भाजपामय हो गया। देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष के नेतृत्व में एक जंजवार आ गया है जनताओं के बीच में। जिस ढंग से असफल मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से असफलता का अपना परिचय दिया है अम्फान में और कोरोना महामारी में, सिर्फ दलोदास लोगों को ही सेवा कर रही है। इसके प्रतिवाद में आपने देखा प्रधान जी ने कहा कि कट मनी को लेकर के, ये भारतीय जनता पार्टी दिलीप दा ने बहुत पहले ही इस बात को उठाया है और अब पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार के दुर्नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दिलीप घोष के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 2021 में सरकार बनेगी और एक परिवर्तन का लहर चल पड़ा है। गांव गांव ग्राम ग्राम ये पतियाला क्षेत्र में आपने देखा कि एक प्रधान और उनके साथ बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने योगदान दिया। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस, एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसडी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया।